हम हैं दनकौर के समस्तपुर गांव में, जहां के राजेंद्र जी ने अभी हाल ही में वीरता पुरस्कार जीता है। राजेंद्र जी का आज गांव में बहुत जोरदार स्वागत हुआ, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री और कई बार विधायक रहे वेदराम भाटी जी और पारस ग्रुप के एमडी नरेंद्र नागर जी भी रहे। हम हैं मौजूद, बात करेंगे राजेंद्र सिंह जी से। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इस उपलब्धि के लिए, क्या कहेंगे? क्षेत्रवासियों ने आपका स्वागत किया है, आपने क्या काम ऐसा किया था जिसकी वजह से आपको ये वीरता पुरस्कार मिला? पहले तो आपका धन्यवाद देने के लिए शुक्रिया। ये जो पुरस्कार मुझे मिला था राष्ट्रपति जी से गणतंत्र दिवस पर, ये मुझे वीरता पुरस्कार मिला है, पुलिस मेडल फॉर गारंटी। टेररिस्ट एनकाउंटर के अगेंस्ट मुझे ऑल इंडिया पुलिस की जो टेररिस्ट एनकाउंटर के और जो नकलियों के केस होते हैं उसमें से जो फाइनेंस हटती हैं उसमें वीरता का पुरस्कार मिलता है। तो ये करोड़ों में से किसी एक दो को मिलता है और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि इस गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति जी ने मुझे पुरस्कार से नवाजा। और उससे ज़्यादा सौभाग्यशाली मैं ये हूँ कि मैंने अपने क्षेत्र का, गांव का और अपने समाज का नाम रोशन किया, लेकिन उन्होंने उससे ज़्यादा मुझे ब्यास समेत अपनी पलकों पर बिठाया, हाथों पर उठाया और मुझे उससे ज़्यादा सम्मान उन्होंने लौटाया। लेकिन एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि ये जो सम्मान मुझे मिला है इसके पीछे कोई एक और ही सकती है। मैंने तो अपनी ड्यूटी निभाई थी और ड्यूटी करते हुए हर एक आदमी को ये सम्मान नहीं मिलता, लेकिन इसके पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो मेरे माता पिता हैं। उनकी आशीर्वाद से और उनकी प्रेरणा से ही मैं ये कर पाया हूँ, ये सब उन्हीं का आशीर्वाद है। आज वो मेरे बीच नहीं है, लेकिन मेरे से जो भी उम्र में बड़े हैं उन सब के रूप में मैं अपने माँ बाप को देख रहा हूँ और उनका आशीर्वाद, माँ बाप होते तो चार हाथों में मिलता, लेकिन आज सैकड़ों हाथों ने मुझे आशीर्वाद दिया है और मेरे मनोबल को बढ़ाया है। आज मैं बहुत गौरवान्वित और खुशी महसूस कर रहा हूँ। अच्छा राजेंद्र जी, आपके परिवार में से पहले भी पुरस्कार मिल चुके हैं, आपको कैसे प्रेरणा मिली इस काम को करने की? प्रेरणा क्या, मेरा जुनून था कि मैं कुछ लीग से अलग हटके काम करूं, इसलिए मैंने अपनी चॉइस से स्पेशल सेल को ज्वाइन किया था। जहां पग पग पे परेशानियां हैं, मेरे साथी शाम को जिनके साथ हम खाना खाते थे सुबह वो नहीं मिले, वो या तो गोली उनके लग गई या कुछ ही और हादसे में बेचारे चले गए, तो ये सब मेरी अपना जुनून था, मेरे करने की इच्छा थी कि मैं ऐसा करूं जो लीग से अलग हटके हो और मेरे समाज और गांव, मेरे माँ बाप के लिए कुछ अच्छा हो और उनका सम्मान बढ़े। हमारे साथ युवा भी मौजूद हैं, योगेंद्र भाटी जी हैं, सुशील जी हैं, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? इतनी बड़ी उपलब्धि हमारे क्षेत्र को पहली बार मिली है। सबसे बड़े मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई राजेंद्र जी को कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, एक वीरता पुरस्कार, इस गांव का गौरव बढ़ाया है, समाज का गौरव बढ़ाया, इस क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है और मुझे गर्व है इस गांव पर। छोटा गांव होने के बावजूद भी इस गांव में बहुत प्रतिभाएं हैं और उम्मीद करूंगा कि बच्चे इनको आदर्श मानते हुए आगे भी अब इसी तरह के कार्यों में आगे बढ़ेंगे और ये क्षेत्र के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि हमारे भाई राजेंद्र जी ने एक वीरता पुरस्कार हमें। हर व्यक्ति को एक सलाह और एक उम्दा